हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज यूनिट टू ऑफ लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। यूनिट वन जो थी वो हमारी, उसका नाम था एवरीडे टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। उस यूनिट में हमने न्यूज रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, लेटर, जो ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था और कैसे उनकी क्वालिटीज क्या है। मैंने क्वालिटीज पे मेन फोकस रखा था। सेम थिंग अब ये यूनिट जो है ये ड्रामा पे बेस्ड है। सो एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक ड्रामा दिया गया, क्रॉसिंग द रिवर। इस ड्रामा को अंबई ने लिखा है। सो अंबई इज अ फेमिनिस्ट राइटर जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है। स्यूडोनेम है ये उनका, यहाँ पे ये वर्ड स्यूडोनेम यूज किया गया है। स्यूडोनेम है उनका, ओरिजिनल नेम है सीएस लक्ष्मी। सो ये जो ड्रामा है, इस पूरी यूनिट के बीच में मेरा मेन फोकस जो होगा, जो वो मेन टेक्निकल टर्म्स है ड्रामा से रिलेटेड, जो आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेंगी बिकॉज आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं। सो उन मेन टर्म्स पे मेन फोकस होगा। बाकी प्ले की समरी वगैरह ड्रामा की जो भी है वो आई थिंक कि आप खुद से पढ़ लेंगे, दैट इज वेरी इजी हेयर। और इन एसएल के नोट्स में वो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको प्रोवाइडेड है। सो लेट्स गो थ्रू दिस यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्रॉसिंग द रिवर इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय द नोटेड इंडियन फेमिनिस्ट राइटर सीएस लक्ष्मी, हु राइट्स अंडर द स्यूडोनेम अंबई। सो जैसे मैंने बताया कि सीएस लक्ष्मी ने लिखा है, ये इंडियन फेमिनिस्ट राइटर है और ये एक शॉर्ट प्ले है। फेमिनिस्ट राइटर है तो हमारा फोकस जो प्ले की थीम फेमिनिज्म से रिलेटेड है, वुमेन का रोल कैसे है, किस तरह से वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है, इक्वालिटी के बारे में बात कैसे हुई है, ये सारी चीजों पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा जब भी टेक्स्ट के बीच में जो क्वेश्चन आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आना है, तो प्लीज रेफर टू माई वीडियो जिसमें मैंने लैंग्वेज टू लिटरेचर पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, उन राइटर का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और क्या उन्होंने इस तरह से, किस तरह से उन्होंने इस प्ले में वुमेन राइट्स के बारे में बात करी है, वो सब इस चीज में थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि इस यूनिट से पढ़ के आपको क्या क्या आना है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के जो अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीजें जो होती है ड्रामा की, लेट्स से क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके गुण है, उनको आइडेंटिफाई करना आपको सबसे इंपॉर्टेंट आना चाहिए। जैसे कि हमने रिपोर्ट राइटिंग में देखा था कि रिपोर्ट की मेन क्वालिटीज क्या होती है, जो 7-6-7 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको दिए हुए थे जो हमने पढ़े थे, लाइक कि एक्टिव वॉइस में लिखना है, आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने, हेडिंग यूज करने, सेम इस तरह से ड्रामा की क्या क्वालिटीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड, अंडरस्टैंड हाउ द विजुअल प्रेजेंटेशन एड्स टू द फोर्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, कि किस तरह से अगर किसी चीज को विजुअली प्रेजेंट किया जाए, जैसे कि ड्रामा जो है वो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, आप ड्रामा देखने जाते हैं, सो कैसे किसी चीज को अगर स्टेज पे दिखाया जाए तो उस आर्ग्यूमेंट का जो भी बात आप उसमें कर रहे होते हैं उसमें ज्यादा दम आ जाता है, ज्यादा जान आ जाती है, तो ऐसा किस तरह से होता है। लर्न हाउ वंस वॉइस एंड बॉडी इज यूज्ड टू परफॉर्म इन एक्ट अ कैरेक्टर, किस तरह से आवाज और बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है कैरेक्टर की परफॉर्मेंस के लिए। नो हाउ स्पीच इज कनेक्टेड टू कैरेक्टर, किस तरह से किसी की स्पीच जो है वो कैरेक्टर से रिलेटेड होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर, जैसे मैंने पहले ही बोला फेमिनिस्ट राइटर है तो जेंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बिकॉज ये जो प्ले है अंबई, ये प्ले अंबई ने जो ये प्ले लिखा है क्रॉसिंग द रिवर, ये प्ले एक्चुअली सीता की स्टोरी है, रामायण की स्टोरी आप कह सकते हैं, लेकिन सीता के पर्सपेक्टिव से, सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीता को उनकी कहानी जो है किस तरह से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे ड्रामा को लेकर। सो सबसे फर्स्ट अ ब्रीफ नोट ऑन ड्रामा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं लाइक थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सेटिंग, परफॉर्मेंस, सॉन्ग, डांस, म्यूजिक, स्टेज इफेक्ट एंड विजुअल इफेक्ट्स। ये सारे पॉइंट्स दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू। थीम क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी मच पॉसिबल कि एग्जाम में वो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको कोई पैराग्राफ दे दे, या आपको ये ड्रामा में से लाइन नहीं, किसी और ड्रामा में से कुछ लाइनें उठा कर दे दे और आपको पूछे कि इस ड्रामा की थीम क्या है, आपको कोई और ड्रामा दे दे एग्जाम में अनसीन पैसेज के बीच में और आपसे पूछे कि इसके प्लॉट क्या है, कैरेक्टर क्या है, डायलॉग किस तरह से लिखे गए हैं। सो अगर आपको ये सारी टेक्निकल चीजें नहीं पता है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और आंसर दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी चीज की थीम क्या होती है, थीम इज कि वो प्ले किस मेन आइडिया पर बेस्ड है। जैसे कि ये वाला जो प्ले है अंबई, अंबई का जो प्ले है क्रॉसिंग द रिवर, ये प्ले बेस्ड है सीता की कहानी के ऊपर, कि सीता की क्या कहानी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट होता है, एक होती है कहानी,
जो हमने बताया कि अच्छा इस तरह से रामायण की कहानी है, राम सीता और उनकी शादी हुई और वो वनवास गए और जो भी आगे हुआ उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी है। प्लॉट होता है कि किस तरह से वो कहानी ने पूरा दिखाया। फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी का एग्जाम्पल लीजिए कि कई बार मूवी में एंडिंग सबसे पहले दिखा देते हैं कि किसी की डेथ हो गई है और या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, और फिर दिखाते हैं कि 10 दिन पहले क्या हुआ, कैसे उन्होंने पूरा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया और कैसे वो पूरी कहानी शुरू हुई। सो वो प्लॉट है मूवी का कि एंडिंग पहले है, फिर स्टार्टिंग दिखाई फ्लैशबैक में, फिर दोबारा से फ्लैशबैक में गए और फिर आगे पीछे आते रहे। दैट इज प्लॉट। स्टोरी पूरी कहानी सीधी तरह से, दैट इज स्टोरी। प्लॉट किस तरह से कहानी को आगे पीछे करके बुक में या मूवी में दिखाया गया या प्ले में दिखाया गया, दैट इज प्लॉट। कैरेक्टर आप सब लोगों को पता है, जो उसके अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो भी लोग उसके अंदर जिनको डायलॉग्स दिए होते हैं या जो एक्शन कर रहे होते हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो सभी कैरेक्टर होते हैं। डायलॉग कैरेक्टर्स आपस में बात करने के लिए जो यूज करते हैं डायलॉग। सेटिंग ऑफ द ड्रामा क्या होती है कि ड्रामा को किस टाइम में सेट किया गया है। अब सीता की कहानी है तो जाहिर सी बात है कि वो हिस्ट्री में ही सेट की गई होगी, अयोध्या ही उसकी सेटिंग होगी या अयोध्या से पहले सीता का जन्म जहां पे हुआ था वहां पे उनकी सेटिंग होगी। उसके अलावा परफॉर्मेंस की, किस तरह की परफॉर्मेंस दी गई है उस पर भी, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉन्ग डांस म्यूजिक इंपॉर्टेंट, यू ऑल अंडरस्टैंड। स्टेज इफेक्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स की, किस तरह के स्टेज इफेक्ट यूज किए गए हैं, जैसे कि ड्रामा में यूजुअली म्यूजिक डाला जाता है, नाचना गाना डाला जाता है बीच में, बट उसके अलावा मूवीज में और भी ज्यादा स्टेज इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स रीड दिस वेरी क्विकली। इन अ ड्रामा प्ले स्टोरी इज ब्रॉट टू लाइफ बाय इट्स परफॉर्मेंस ऑन स्टेज थ्रू एक्टर्स हु परफॉर्म द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्ले एंड एक्ट आउट द events of the story and use dialogue and actions as a mean of communication at the same time, communicate the same. So यहाँ पे कहा गया है कि story और कहानी को life देने के लिए, जिंदा करने के लिए stage पे performance होती है जिसे actor करते हैं, वो अलग-अलग characters का role play करते हैं और उसके बाद कहानी को वो डायलॉग और एक्शन के थ्रू दोनों चीजें यूज करता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, कहानी सिर्फ डायलॉग की वजह से पूरी नहीं होती, कहानी में एक्शन भी होता है और डायलॉग भी होते हैं, दोनों पूरे होते हैं। इट इज अ डायनामिक एंड वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म एंड अ गुड प्लेस, सो दिस इज जस्ट लाइक गुड क्वालिटीज ऑफ ड्रामा। देन प्लॉट क्या होता है, द प्लॉट और द स्टोरी ऑफ द प्ले हैज कैरेक्टर्स थ्रू होम द स्टोरी इज प्लेड। सो प्लॉट और स्टोरी जो है उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं जिनके द्वारा कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पे प्लॉट और स्टोरी दोनों को सेम यूज किया गया है, बट जैसे मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया, स्टोरी नॉर्मल कहानी, प्लॉट कि उस कहानी को किस तरह से दिखाया गया है, कौन सी कड़ी जो है वो पहले दिखाई गई है, कौन सा इंसिडेंट जो है वो बाद में दिखाया गया है। सो सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज द मेन आइडिया और द मैसेज दैट प्ले हैज पुट फॉरवर्ड। जैसे मैंने बताया था कि थीम का मतलब कि मेन आइडिया क्या है, मेन मैसेज क्या है उस प्ले से आया, जो वो उसकी थीम है कि उस चीज की थीम क्या है। सेटिंग ऑफ द प्ले इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये बताती है कि वो किस टाइम में हुआ है, किस जगह पे हुआ है, और म्यूजिक सॉन्ग डांस ये सब विजुअल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग बनाते हैं ड्रामा को, प्ले को। एंड देन फाइनल प्ले डिपेंड्स ऑन कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबव। एक प्ले कितना अच्छा है ये पता लगेगा जब उसकी ये सारे एलिमेंट्स, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सेटिंग, परफॉर्मेंस, सॉन्ग डांस, म्यूजिक, स्टेज इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, आपको ये सारे एलिमेंट्स पता हो, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता हो, बिकॉज एग्जाम में कई बार वो डेफिनेशंस भी इनडायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं। एंड देन आपको पता हो कि किस तरह से किसी प्लॉट या सॉरी किसी प्ले या ड्रामा का थीम या कैरेक्टर्स या इन सब चीजों के बारे में आइडेंटिफाई कैसे करना है, पता कैसे करना है कि क्या है। नाउ अ नोट ऑन प्ले इज गिवन कि किस तरह से क्रॉसिंग द रिवर, और यहाँ पे उसका तमिल नेम दिया हुआ है, ये प्ले तमिल में पहले लिखा गया था ओरिजिनली और फिर उसके बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, कितने एक्ट थे इसमें, किस तरह का प्ले था, ये वो पूरी कहानी यहाँ पे दी गई है। नाउ सीताज स्टोरी इज गिवन कि रामायण से ही सीता की स्टोरी ली गई है, किस तरह से वो एक आइडियल वुमेन, डॉटर, वाइफ और मदर उसको दिखाया गया है कि एक आइडियल वुमेन की तरह उसको पोर्ट्रे किया गया है। कभी भी मेन आइडिया यहाँ पे थीम जो बात की जा रही है वो ये कि कभी भी वो विदाउट अ मैन नहीं रही। जब वो मतलब डॉटर थी तब वो अपने
पापा के साथ अपने फादर के साथ अंडर थी, जब वो वाइफ थी तो वो अपने हस्बैंड को उसने फॉलो किया, जब वो मदर थी तो अब उसने अपने सन्स को फॉलो किया है। कभी भी उसने लाइफ में कभी भी उसने अपना इंडिपेंडेंट कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। सो ये वाला पैराग्राफ जब आप सारे पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस तरह से सीता का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टोरी पता लगी है तो किस तरह से पूरी एपिक होती है, महागाथा या जैसे रामायण है, सो उसका पूरा मतलब बदल जाता है। क्योंकि अब तक सीता को, बेशक राम सीता का नाम हमेशा जोड़ा जाता है, लेकिन कभी भी सीता को उतनी इम्पोर्टेंस पूरी एपिक में नहीं दी गई थी। उसको बस अच्छे पति के लिए अच्छी बीवी, अच्छे पिता के लिए अच्छी पुत्री और अच्छे लड़कों के लिए अच्छी माँ का रोल मिला है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। सो बिकॉज ये प्ले फेमिनिस्ट प्ले है, सो पे अटेंशन टू द फेमिनिस्ट क्वालिटीज यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों के लिए एनालिसिस दिया हुआ है। जिन लोगों के लिए ये प्ले ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, सो आई थिंक कि SOL की वेबसाइट पर ये प्ले अवेलेबल है। अगर आप कोर्सेज या रिसोर्स सेक्शन में जाएंगे, इफ़ यू डोंट गेट इट आई थिंक यू शुड गूगल इट। गूगल पे अगर आप थोड़ा सा डीप सर्च करेंगे तो आपको ये प्ले ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे समरी दी हुई है पूरी, एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स भी इवन दी गई है। Pay attention to these important lines. जब आपको RTC question आएंगे, reference to the text question, वहाँ पे आपको किसी play के बीच में से कुछ important line देकर वो पूछेंगे कि आप context पे बताओ कि ये lines क्या है, कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था RTC question का answer करना है, उसके लिए ये lines जो है ये important है। जब आप घर पे हैं, आप lockdown के बीच में हैं, आपके exam की date sheet आ चुकी है, so please pay attention कि आप इन questions को थोड़ा ध्यान से घर पे रह के सॉल्व करें, ताकि आपको पता लग सके कि कितनी नॉलेज आपको हुई है। मैं ये पूरी समरी यहाँ पे कवर नहीं करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में ये सारा कवर करना इज नॉट पॉसिबल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मेन था कि जो एलिमेंट्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट थीम जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके बाद क्या और टॉपिक कवर करते हैं। सो उसके बाद फाइनल समरी जो है प्ले की वो यहाँ पे दी हुई है। अम्बाइज प्ले क्रॉसिंग द रिवर इज एन अटेम्प्ट एट रिटेलिंग ऑफ द ओल्ड ऑफ द एज ओल्ड मिथ ऑफ द स्टोरी ऑफ सीता बट फ्रॉम सीतास पॉइंट ऑफ व्यू। सो अम्बाई की जो प्ले है क्रॉसिंग द रिवर, ये एक अटेम्प्ट है कि जो पुरानी, सदियों पुरानी जो कहानी है, जो मिथ है, उसको सीता की जो कहानी है उसको सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जाए। सो रिटेलिंग ऑफ द मिथ और रीलुकिंग एट द क्लासिक्स एंड रीराइटिंग देम फ्रॉम द वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज टुडे। So, feminist studies में जो लोग feminist point of view से लिखते हैं, उनको पुरानी कहानियों को, जिन कहानियों में women के character को usually ignore किया गया, जैसे रामायण बहुत बड़ी कथा है, उसमें सीता जैसे character को important तो दिखाया है लेकिन importance दी नहीं गई है। So, ऐसी कथाओं को औरतों के perspective से दोबारा लिखना फेमिनिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद द इमेज ऑफ सीता इन द इंडियन सोशल कल्चर कॉन्शियसनेस सीज अ ड्रामेटिक चेंज हेयर व्हेन अम्बाई गिव्स हर अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग वॉइस व्हिच स्ट्राइक्स एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल ऑफ द सुप्रीमिस्ट लाइक राम एंड शेक इट टू द कोर बाय एक्सपोजिंग द एंड क्रिटिकिंग हिम। यहाँ पे अम्बाई ने जब सीता को क्वेश्चन करने की एबिलिटी दी है, जब दिखाया है उसे ड्रामा में, प्ले में, कि वो किस तरह से राम को क्वेश्चन कर रही है, उससे सवाल पूछ रही है, उससे जवाब मांग रही है, सो इस पूरी अथॉरिटी ने एकदम से चेंज ला के दिखाया है कि किस तरह से जो इंडियन सोशियो कल्चरल कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सामाजिक सोच है, किस तरह से उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई है इस प्ले के थ्रू। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द क्वेश्चन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सीता, सीता की आइडेंटिटी की, उसकी पहचान क्या है, उसके आसपास प्ले की पूरी कहानी है, विच अल्टीमेटली मूव्स बियॉन्ड द एपिक ऑफ फिगर ऑफ रामायण टू एनकंपास ऑल हु हैव फेस्ड ऑप्रेशन एंड सब्जुगेशन। और यहाँ पे सीता सिर्फ सीता नहीं रह गई है, बल्कि वो एक तरह से इमेज बन गई है हर उस वुमेन के लिए जिन्होंने ऑपरेशन और सब्जुगेशन, यानी कि दबाव या कह सकते हैं कि इनइक्वालिटीज वगैरह फेस करी है सोसाइटी के बीच में, उन सब लोगों की वो एक तरह से इमेज बन के सीता का कैरेक्टर जो है वो बाहर निकल के आया। नाउ हैव अ लुक एट द नोट्स एंड ग्लोसरी पार्ट। नोट्स एंड ग्लोसरी पार्ट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम किया गया है कि जो भी मेन नाम है या कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दिया गया। जैसे रवि वर्मा जो है, सो राजा रवि वर्मा ये इंडियन पेंटर और आर्टिस्ट है, वन ऑफ द अमेजिंग आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया। सो वर्मा की जो पेंटिंग है वो मेनली पुराण, जो इंडियन पुराण है और एपिक्स जैसे महाभारत और रामायण, उनसे रिलेटेड ही उनकी पेंटिंग्स है, आपको गूगल पे इजिली देखने को मिल जाएंगी।
कंबन एक मिडिवल हिंदू पोएट का नाम है और जिन्होंने पॉपुलरली ये दो टेक्स्ट लिखे हैं, रामावृतम एंड कंबर रामायणम, जो कि तमिल वर्जन है, रामायण का तमिल वर्जन है। देन वाल्मीकि, हम सबको पता है वाल्मीकि कौन है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास, माया सीता कौन है, उसके बाद माया सीता और छाया सीता का कॉन्सेप्ट जो है वो डुप्लीकेट सीता के बारे में दिखाया गया, बिकॉज रामायण में दिखाया गया है कि लंका में माया सीता, छाया सीता थी और असली सीता जो है वो भगवान राम ने अग्निदेव को समर्पित कर दी थी, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। आप एक बार चेक कर सकते कि प्ले में उस कॉन्सेप्ट को किस तरह दिखाया है। सीता मेड ऑफ गोल्ड, सोने की सीता किस तरह से दिखाई गई। देन तथका, तारका एंड ताड़का, ये तीनों वर्ड सेम है, रामायण में ताड़का यूज किया गया है वर्ड। अब ये भी एक विमेन कैरेक्टर है, तो सीता के अलावा जो विलन का विमेन कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है कि ताड़का की वजह से पूरी रामायण हो गई है और सीता की वजह से पूरी रामायण की लड़ाई हो गई है। सो विमेन के कैरेक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। देन संभ्युगा जो है हिंदू माइथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके रामायण में बहुत सारे अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक शूद्र एसेटिक, मतलब एक अछूत जाति का जो एक कह सकते कि साधु है, या फिर ये दिखाया गया है कि किस तरह से बुरे कर्मों का, द बैड कर्म रिजल्टिंग फ्रॉम विच कॉज द डेथ ऑफ अ ब्राह्मण सन, कि बुरे कर्मों की वजह से ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु। सो किस तरह से सिर्फ फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि जब इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो वहां पे कास्ट की बात भी निकल के इस प्ले से बाहर आई है। द होर्स थ्रोन इन टू द रिचुअल फायर, अग्नि के जो रिचुअल हुआ था, जो यज्ञ हुआ था अश्वमेध यज्ञ, उसके बीच में घोड़े का जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। द फ्रॉग हुम रामाज एरो पियर्स्ड, और एक कहानी और है कि किस तरह से एक फ्रॉग को राम ने एक्सीडेंटली मारा था और कहां पे उसका आगे क्या रिजल्ट निकल के आया था। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब तक के यूनिट 2 के बीच में। होपफुली आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ द यूनिट, जो मेन ड्रामा एलिमेंट्स हैं, वो सब समझ आ गए होंगे। उसके अलावा आप इसकी समरी पढ़ लीजिएगा एक बार। सारे कैरेक्टर्स, स्पेशली जो वुमेन कैरेक्टर है, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इसके बीच में कौन कौन से वुमेन कैरेक्टर्स जो है वो दिए गए हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि कल की यूनिट के बीच में, जो कल वाली वीडियो थी, जो पिछली वीडियो थी, उसके बीच में से एक जो अगर आप लोगों को नहीं मिला है कि लेटर्स क्या थे, कुछ लेटर्स, 13 लेटर्स करके एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल SOL की दो बुक्स दी गई है। सो आई होप कि आपके पास दोनों बुक है, अगर नहीं है तो प्लीज SOL की वेबसाइट से वो दोनों बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो फाइनली आई एम एंडिंग दिस यूनिट हियर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस एलिमेंट ऑफ ड्रामा।